हेलो, गुड हेलो, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू नुगडवे। नुगडवे। आज आज दोस्तों दोस्तों 1 जून 2023 1 जून और 1 जून 2023 2023 से से संबंधित संबंधित जो जो भी भी डेली डेली करंट करंट अफेयर्स अफेयर्स के के जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन बनते बनते हैं हैं इनके इनके बारे बारे में में हम हम डिटेल डिटेल से से डिस्कस डिस्कस करेंगे। करेंगे। और और आज आज के के दिन दिन 1 जून को ग्लोबल को डे ग्लोबल ऑफ डे ऑफ पेरेंट्स पेरेंट्स दिवस दिवस के के रूप रूप में में मनाया मनाया जा जा रहा रहा है। है। जो जो ग्लोबल ग्लोबल डे डे ऑफ ऑफ पेरेंट्स पेरेंट्स है है इसको इसको सेलिब्रेट सेलिब्रेट करने करने का का उद्देश्य उद्देश्य है है कि कि अपने अपने बच्चों बच्चों के के जीवन जीवन में में जो जो माता माता पिता पिता की की भूमिका भूमिका है है उसको उसको समझने समझने के के लिए लिए या या इसको इसको सम्मान सम्मान देने देने के के लिए लिए दिवस दिवस वो वो मनाया मनाया जाता जाता है। है। और और ये ये दिन दिन है है वो वो अपनी अपनी कड़ी कड़ी मेहनत मेहनत और और समर्पण समर्पण के के माध्यम माध्यम से से हमारी हमारी दुनिया दुनिया को को आकार आकार देने देने वाले वाले जो जो माता माता पिता पिता हैं हैं इनको इनको सम्मान सम्मान देने देने का का एक एक दिन दिन भी भी है। है। और और ये ये दिन दिन है है आप आप भी भी अपने अपने माता माता पिता पिता को को ये ये एहसास एहसास करा करा सकते सकते हैं हैं कि कि आपके आपके जीवन जीवन में में उनका उनका जो जो कितना कितना खास खास स्थान स्थान है। है। और और इसी इसी को को मद्देनजर मद्देनजर रखते रखते हुए हुए 1 जून1 जून को को ग्लोबल ग्लोबल डे डे ऑफ ऑफ पेरेंट्स पेरेंट्स जो जो दिवस दिवस है है उसके उसके रूप रूप में में मनाया मनाया जा जा रहा रहा है। है। और और आज आज के के वीडियो वीडियो की की आपको आपको पीडीएफ पीडीएफ चाहिए चाहिए तो तो आप आप हमारे हमारे जो जो टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप है है वहाँ वहाँ से से वीडियो वीडियो की की पीडीएफ पीडीएफ है है वो वो प्राप्त प्राप्त कर कर सकते सकते हैं। हैं। और और लास्ट लास्ट में में आपको आपको क्वेश्चन क्वेश्चन भी भी दिया दिया जाएगा जाएगा जिसका जिसका आंसर आंसर है है वो वो आपको आपको कमेंट कमेंट बॉक्स बॉक्स में में लिखना लिखना है। है। तो तो चलिए चलिए दोस्तों दोस्तों स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर वन वन से। से। और और आज आज का का वीडियो वीडियो आपको आपको अच्छा अच्छा लगे लगे तो तो चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब और और इसका इसका बेल बेल आइकन आइकन है है वह वह जरूर जरूर प्रेस प्रेस करें करें ताकि ताकि डेली डेली के के जो जो वीडियो वीडियो अपलोड अपलोड कर कर रहा रहा हूँ हूँ मैं मैं उनका उनका नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन है है वो वो आपको आपको मिलता मिलता रहे। रहे। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर वन वन है है कि कि एनटीआर एनटीआर ए ए पॉलिटिकल पॉलिटिकल बायोग्राफी बायोग्राफी नामक नामक की की पुस्तक पुस्तक है है ये ये किसके किसके द्वारा द्वारा लिखी लिखी गई गई है। है। तो तो इस इस क्वेश्चन क्वेश्चन का का राइट राइट आंसर आंसर है है दोस्तों दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर सी सी है। है। रामचंद्र रामचंद्र मूर्ति मूर्ति कोंडू कोंडू बाटला बाटला इनके इनके द्वारा द्वारा ये ये पुस्तक पुस्तक है है वो वो लिखी लिखी गई गई है। है। जो जो दो दो तेलुगु तेलुगु राज्य राज्य जिसमें जिसमें आंध्र आंध्र प्रदेश प्रदेश और और तेलंगाना तेलंगाना में में जो जो सिनेमा सिनेमा और और राजनीति राजनीति पर पर एक एक प्रवचन प्रवचन में में स्टार स्टार व्यक्ति व्यक्ति नंदमूरी नंदमूरी तारक तारक रामा रामा राव राव है है इनकी इनकी यथार्थवाद यथार्थवाद जो जो तस्वीर तस्वीर है है ये ये पुस्तक पुस्तक है है वो वो प्रस्तुत प्रस्तुत करती करती है। है। और और इसमें इसमें जो जो होरपर होरपर कोलिंस कोलिंस है है इंडिया इंडिया के के द्वारा द्वारा ये ये प्रकाशित प्रकाशित की की गई गई पुस्तक पुस्तक है है और और एनटीआर एनटीआर के के शताब्दी शताब्दी वर्ष वर्ष के के उपलक्ष्य उपलक्ष्य में में ये ये प्रकाशित प्रकाशित है है वो वो पुस्तक पुस्तक है है ये ये प्रकाशित प्रकाशित है है वो वो की की गई गई है। है। अब अब पुस्तक पुस्तक से से संबंधित संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बिंदु बिंदु बनते बनते हैं हैं हाल हाल में में कौन कौन सी सी पुस्तक पुस्तक है है वो वो कहाँ कहाँ और और किसके किसके द्वारा द्वारा लॉन्च लॉन्च की की गई गई है है उन उन पर पर एक एक नजर नजर डाल डाल लेते लेते हैं हैं कि कि सस्सी सस्सी शेखर शेखर वेम्पति वेम्पति के के द्वारा द्वारा जो जो पुस्तक पुस्तक लिखी लिखी गई गई है है कलेक्टिव कलेक्टिव स्पिरिट स्पिरिट कंक्रीट कंक्रीट एक्शन एक्शन नामक नामक की की पुस्तक पुस्तक और और ब्रिटिश ब्रिटिश अर्थशास्त्री अर्थशास्त्री मेघनाथ मेघनाथ देसाई देसाई इन्होंने इन्होंने द द पॉवर्टी पॉवर्टी ऑफ ऑफ पॉलिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स नामक नामक की की पुस्तक पुस्तक लिखी लिखी गई गई है। है। और और सी सी रंगराजन रंगराजन के के द्वारा द्वारा जो जो फोक्स फोक्स इन इन द द रोड रोड माई माई डेज डेज एट एट आरबी आरबी एंड एंड बियॉन्ड बियॉन्ड नामक नामक की की पुस्तक पुस्तक लिखी लिखी गई गई है। है। और और जेपी जेपी नड्डा नड्डा ने ने जो जो मोदी मोदी शेपिंग शेपिंग ए ए ग्लोबल ग्लोबल ऑर्डर ऑर्डर इन इन फ्लेक्स फ्लेक्स नामक नामक की की पुस्तक पुस्तक है है वो वो लॉन्च लॉन्च की की है। है। और और लेखिका लेखिका मानसी मानसी गुलाटी गुलाटी है है इन्होंने इन्होंने अपनी अपनी पुस्तक पुस्तक जो जो मिरेकल मिरेकल ऑफ ऑफ फेस फेस योगा योगा का का विमोचन विमोचन किया किया है है और और चिपको चिपको आंदोलन आंदोलन पर पर आधारित आधारित जो जो किताब किताब है है कमला कमला देवी देवी चट्टोपाध्याय चट्टोपाध्याय इसको इसको एनआईए एनआईए पुरस्कार पुरस्कार से से सम्मानित सम्मानित हो हो किया किया गया गया है। है। और और शेन शेन वॉटसन वॉटसन के के द्वारा द्वारा जो जो पुस्तक पुस्तक लिखी लिखी गई गई है है उसका उसका नाम नाम है है विनिंग विनिंग द द इनर इनर बैटल बैटल और और मिशेल मिशेल ओबामा ओबामा के के द्वारा द्वारा लिखी लिखी गई गई है है द द लाइट लाइट वी वी कैरी कैरी ओवर ओवर कमिंग कमिंग इन इन अनसर्टेन अनसर्टेन टाइम्स टाइम्स नामक नामक की की पुस्तक पुस्तक और और ब्रिटिश ब्रिटिश जो जो इतिहासकार इतिहासकार साइमन साइमन सेबाग सेबाग इनके इनके द्वारा द्वारा लिखी लिखी गई गई है है द द वर्ल्ड वर्ल्ड ए ए फैमिली फैमिली हिस्ट्री हिस्ट्री नामक नामक की की पुस्तक। पुस्तक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर टू टू कि जस्टिस जस्टिस मामिदन्ना मामिदन्ना सत्य सत्य रतन रतन श्री श्री रामचंद्र रामचंद्र राव राव आई आई किस किस राज्य राज्य के के 28वें 28वें मुख्य मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश वो वो बन बन गए गए हैं। हैं। तो तो इस इस क्वेश्चन क्वेश्चन का का राइट राइट आंसर आंसर है है दोस्तों दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर बी बी है है हिमाचल हिमाचल प्रदेश प्रदेश के के 28वें 28वें मुख्य मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश बन बन चुके चुके हैं हैं जो जो जस्टिस जस्टिस मामिदन्ना मामिदन्ना सत्य सत्य रतन रतन श्री श्री रामचंद्र रामचंद्र राव राव है है ये ये आधिकारिक आधिकारिक तौर तौर पर पर अभी अभी हिमाचल हिमाचल प्रदेश प्रदेश के के उच्च उच्च न्यायालय न्यायालय के के जो जो 28वें 28वें मुख्य मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश बन बन चुके चुके हैं। हैं। और और राजभवन राजभवन में में जो जो एक एक समारोह समारोह आयोजित आयोजित हुआ हुआ था था जिसमें जिसमें राज्यपाल राज्यपाल शिव शिव प्रसाद प्रसाद शुक्ला शुक्ला ने ने जो जो न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति राव राव को को पद पद की की शपथ शपथ वो वो दिलाई दिलाई थी। थी। और और इस इस प्रोग्राम प्रोग्राम के के अंतर्गत अंतर्गत
और यहाँ की राजधानी है शिमला। और हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कि सुर्खियों में रहने वाली जो टीना टर्नर है ये किस पेशे से जुड़ी हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये गायक नाम पेशे से, गायक जो पेशा है इनसे जुड़ी हुई थी। जो प्रसिद्ध अमेरिकी संगीतकार है टीना टर्नर, जिनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका, और वह पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला है जो रॉक एंड रोल कलाकार। और टर्नर ने अपनी अंतिम एकल जो एल्बम है 24/7 इसको रिलीज करने के एक साल बाद 2000 में अपनी जो सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। और उनकी आत्मकथा माय लव स्टोरी 2018 में ये रिलीज वो हुई थी। और इनका जो अब हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन वो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC इसके रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है इनको नियुक्त किया गया है। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है इन्होंने सीवीसी में जो सीवीसी आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है इनको अब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इनके पद की शपथ है इनको दिलाई। और राष्ट्रपति भवन है इनके द्वारा जानकारी प्रदान की गई। और श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर जो सुरेश एन पटेल है इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद जो पिछले साल दिसंबर में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है उसके तौर पर कार्यरत वो काम है वो कर रहे थे। और हाल ही में इनको प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अब CVC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब जो CVC है तो इसकी स्थापना है वर्ष 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। जो भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों से संबंधित जो भ्रष्टाचार नियंत्रण के एक सर्वोच्च संस्था वो मानी जाती है। और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अब नियुक्तियों से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं, किन की नियुक्ति कहाँ की गई है। तो सीनू झावर है ये TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और सलीमा टेटे है इनको AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और LIC के तक्ष पांडे और एम जगन्नाथ को नया MDO नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने जो सिद्धार्थ मोहंती है इनको LIC के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। महिंद्रा फाइनेंस ने जो राहुल रेबेलो है इनको अपना MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। और RBI ने जो JP Morgan चेस के नए CEO के रूप में प्रभदेव सिंह है इनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। और ग्रुप कैप्टन जो शालिजा दामी है वो वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर वो बनी है। और अर्णब बनर्जी है इनको CF के MD और CEO के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कि किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है नूरी इसको लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो दक्षिण कोरिया है इन्होंने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को लॉन्च किया है। और इसके जो सफलतापूर्ण एक वाणिज्य क्षेत्र के उपग्रह को कक्षा में पहुंचाएगा। और दक्षिण कोरिया की जो अंतरिक्ष एजेंसी है कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके अनुसार इस रॉकेट ने सफलतापूर्ण अपने जो सभी पेलोड है उनको एक निर्दिष्ट जो कक्षा है उसमें तैनात भी कर दिया है। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं, कि सियोल से लगभग 300 मील 500 किलोमीटर जो दक्षिण में एक द्वीप पर बने जो गोहिंग है इसमें नारो स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च आउट किया गया है। और नूरी रॉकेट है ये 47.2 मीटर लंबा और इसका वजन 200 टन है। और 3 चरणों वाले इस रॉकेट में 6 तरल जो ईंधन वाले इंजन लगे हुए हैं और इसे 2 ट्रिलियन वोन की जो अनुमानित लागत से बनाया गया है। अब दक्षिण कोरिया है तो दक्षिण कोरिया पूरी एशिया में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और दक्षिण कोरिया के पड़ोस में चीन, जापान, उत्तर कोरिया है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। और दक्षिण कोरिया के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति है मून जे इन और प्रधानमंत्री है किम बू गेम और यहाँ की मुद्रा है वोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कि उड़ान 5.1 योजना ये किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना है। जो उड़ान 5.1 स्कीम है ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई और ये विशेष रूप से जो हेलीकॉप्टर मार्गों पर अपना ध्यान हो केंद्रित करेगी। और इसका उद्देश्य है कि देश के जो दूर के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाना और हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो अंतिम मील कनेक्टिविटी है वो प्रदान करना है। जो उड़ान 5.1 है ये एक विकास प्रगति पर, उसके बाद जो उड़ान 5.1 है इसकी शुरुआत है। इस योजना में जो सभी जो शहीद हेलीकॉप्टर हैं या जो स्टॉकधारी हेलीकॉप्टर हैं उन ऑपरेटरों की एक सलाह पर आधारित है और इसका लक्ष्य है कि अंतिम मेल कनेक्टिविटी को प्रदान करना। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं,
कि ऑपरेटरों के लिए संचालन के दायरे में वृद्धि, जिसमें योजना अब उन मार्गों की अनुमति देगी जहां मूल या गंतव्य स्थानों में से एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र में और पहले दोनों बिंदु हैं जिसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ही होने चाहिए थे, और यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर में जो उड़ान को अधिक किफायती बनाने के लिए हवाई जो किराए की सीमा में 25% की कमी की गई है, और जो भी प्रचालक है उनके लिए व्यवहार्यता जो अंतराल वित्त पोषण है वीजी ऐप, इसकी सीमाओं में एकल और दोहरे इंजन वाले हेलीकॉप्टर हैं उनके लिए पर्याप्त वृद्धि की गई है ताकि प्रदान किए गए मार्गों के जो प्रचालन के लिए एक वित्तीय व्यवहार्यता है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 है ये किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए है, ITF के द्वारा शुरू किया गया है। तो ITF ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 है, इसको OECD है, इसमें इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के द्वारा ये जारी किया गया, और इससे लीपजिंग जर्मनी में जो ITF शिखर सम्मेलन के दौरान ये जारी किया गया, जिसमें इस विश्लेषण में सभी जो परिवहन साधन है उसमें यात्री और माल की जो आवाजाही है उनको शामिल किया गया, और 2050 तक जो वैश्विक परिवहन मांग और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर जो विभिन्न नीतिगत उपाय उनके प्रभावों की जांच भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि सिट्स 500 जो वैश्विक सुपर कंप्यूटर की सूची है इसमें किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान पर इस पर रखा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये एरावत को रखा गया है। जो एरावत है वो उन्नत कंप्यूटरिंग जो विकास केंद्र पुणे में AI सुपर कंप्यूटर, और ये जो 13,170 टेरा फ्लॉप की एक उल्लेखनीय गति के साथ भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटरिंग सिस्टम है। जो सिर्फ 500 वैश्विक कंप्यूटर है इस वैश्विक कंप्यूटर सूची में जो 61वें संस्करण में इस दुनिया में जो इसको 75वां स्थान है वो दिया गया है, और ये सुपर कंप्यूटर इसी साल इंस्टॉल है वो किया गया था। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल युग में सबसे आशाजनक तकनीक है, और भारत में अपने बड़े पैमाने पर डेटा उपलब्ध, मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था, कुशल कार्यबल के कारण AI के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र है और प्रतिस्पर्धी लाभ है ये, और भारत है वो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण 6वीं जुलूस पैटर्न मान्यता, कृषि चिकित्सा इमेजिंग शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल ऑडियो सहायता रोबोटिक्स और रणनीति जो क्षेत्र है उसके लिए क्षमता जो भी समाधान है उनको विकसित करने के पर जो ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अप्लाइड MI पर ये काम है कर रहा है, और 200 जो AI पेटा फ्लॉप्स मिक्स्ड प्रेसिजन पी कंप्यूटर क्षमता है, इसकी अवधारणा ये AI रिसर्च एनालिटिक्स और नॉलेज सेमिनेशन प्लेटफॉर्म वर्तमान में जो MITY है इनके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, और ये CDEC पुणे के द्वारा क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस देश ने लंबी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो खाइबर का परीक्षण है वो किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये ईरान के द्वारा किया गया। जो खाइबर है ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी जो मार्ग क्षमता है ये 2000 किलोमीटर की है, और ईरान ने जो इसका परीक्षण है वो किया है, और ये 2000 किलोमीटर की रेंज तक पहुंचने में सक्षम है, और ये 1.5 मीट्रिक टन तक जो वजनी आयुध है वो यह सामान ले जाने में भी सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 किस देश ने ट्रेन के द्वारा कवर किए जाने वाले छोटे रूटों पर घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये फ्रांस के द्वारा लगाया गया है। जो फ्रांस सरकार है इन्होंने छोटे मार्गों पर जो घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया है जिन्हें जो ट्रेन के द्वारा 2.5 घंटे से कम समय में कवर किया जा सकता है, और इसमें विमानन क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने की इसमें उम्मीद जताई गई है। अब फ्रांस तो फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं, और इसके पड़ोस में बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, और इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर भी है, और दक्षिण में भूमध्य सागर, और उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल के द्वारा ये घिरा हुआ है, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में इमैनुएल मैक्रों, और प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप, और यहाँ की मुद्रा है यूरो। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक की पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस राज्य के लेखक दामोदर मौजो को 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार वो मिला है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ये गोवा राज्य के जो गोवा के लघु कथा और लेखक या उपन्यासकार
दामोदर मोजोइन को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ने 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।